इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। इसी कड़ी में भाजपा पार्षदों द्वारा वर्तमान नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो के खिलाफ एक मत से सभी भाजपा पार्षद कलेक्टर से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। अब जल्द ही नगर निगम छिंदवाड़ा को नया भाजपा का निगम अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि अभी ये बात सामने नहीं आई है कि किस भाजपा पार्षद को ये ताज से नवाजा जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त एक दर्जन से अधिक कांग्रेस पार्षदों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। दौरे के कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह के वक्त तामिया के छिंदी पहुंचे, जहां पर सांसद विवेक पल्टी साहू कलेक्टर एसपी ने उनकी अगवानी की। उसके उपरांत वह स्थानीय शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उसके उपरांत वह आदिवासी परिवार के घर पहुंचकर मक्के की रोटी और चटनी जैसे लजीज भोजन का लुत्फ उठाया। इस दौरान सांसद कलेक्टर एसपी ने भी उनके साथ भोजन किया। तय कार्यक्रम के अनुसार कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल पीजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के उपरांत भोपाल के लिए रवाना होंगे। परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश पर गुरुवार को आरटीओ द्वारा शहर में स्कूल बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान नियम विरुद्ध वाहन चलाने पर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। आरटीओ मनोज तेहन गुरिया ने बताया कि स्कूल वाहनों में ओवरलोडिंग की प्राप्त शिकायतों पर जांच दल द्वारा लगभग 40 स्कूल वाहनों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 7 वाहनों से 54,048 रुपए का जुर्माना लिया गया। वहीं जब्त वाहनों पर मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जाएगी और आने वाले समय में ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। बच्चे आप लोग डेली इसी बस में आते हैं? वाहन एलपीजी गैस किट से भी चल रहे थे और ये सभी को पता है कि एलपीजी अत्यंत ज्वलनशील गैस है और इससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस कारण से उन वाहनों को हमने जब्त भी किया था और इनके विरुद्ध हमने FIR भी कराई। अभी हम लोग लगातार 2 दिनों से पुनः स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 3 वाहन जब्त किए थे जिनमें विभिन्न कमियां थी और आज हमने 8 वाहन जब्त किए हैं और ये चेकिंग अभियान निरंतर चलेगा। कुंटीपुरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों अलग अलग क्षेत्र में हुई 4 चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चोरी के मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों पर BNS के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने चोरों से चोरी किए गए विभिन्न सामग्रियों को भी जब्त किया है। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के बंजारी माई मंदिर के पास नकाबपोश लुटेरों ने बुजुर्ग से लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने पहले बुजुर्ग पर हमला कर उसे घायल कर उसके पास रखे नकदी समेत मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार शासकीय स्कूल में पदस्थ सीताराम यादव स्कूल से लौट रहे थे। इस दौरान नकाबपोश लुटेरों ने उन पर हमला कर उन्हें घायल हो जाने के बाद लूट की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल बुजुर्ग का इलाज शहर के निजी अस्पताल में जारी है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पापा जी का फोन आया हमारे पास कि मुझे कुछ 3 बदमाशों ने गाड़ी लूट के ले गए हैं, मुझे चाकू से वार किए हैं, उनके दोनों पेट के दोनों तरफे और हाथ में उंगली लगी है। ये बंजारी माई के जस्ट नीचे अनिकट पहला टर्न होता है वहाँ पे। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुगलू ढाणा में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता संदेश देने के उद्देश्य से निकाली गई रैली से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने वार्ड में जाकर स्वच्छता का महत्व बताया, जहाँ छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली, जिसमें उन्होंने अपने आसपास की सफाई रखने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसका प्रतिसाद हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि शहर तो स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, लेकिन हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने आसपास भी सफाई और स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और निश्चित तौर पर आप सबके बीच आकर खुशी हुई, आज व्यस्तता ज़्यादा है, आने वाले समय में फिर से आपके बीच आने का अवसर मिलेगा।
आज का ये जो स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मैंने आपको आमंत्रित किया है, यहाँ पे कर रहे हैं। आज सुबह हमने यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया था, रैली के बाद हम यहाँ पे संबोधन करते हुए रंगोली प्रतियोगिता है आपके माध्यम से भी निरीक्षण करवाते हैं। जिले में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दुर्गा उत्सव दशहरा पर्व को शांति व सौहार्दपूर्ण रूप से मनाए जाने की दृष्टि से विचार विमर्श के लिए 27 सितंबर यानी कल शुक्रवार को दोपहर 3 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन द्वारा समिति के सभी सदस्यों से इस बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नारी संगठन ने शहर के वार्ड नंबर 13 और 17 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया। इसी के साथ शहर को स्वच्छ बनाने एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए महिलाओं द्वारा सफाई कार्य किया गया और शहर को स्वच्छ साफ रखने का संकल्प लिया गया एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण का कार्य भी किया गया। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटे में 14 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक अमरवाड़ा में रिकॉर्ड की गई बारिश, यहां 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम बारिश छिंदवाड़ा में हुई, यहां 1 मिलीमीटर बरसात हुई है। तो वहीं मोहखेड़ में 5, तामिया में 30, चौरई में 9, हर्रई में 24, बिछुआ में 3, परासिया में 33, जुन्नार देव में 8, चांद में 3, उमरेठ में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक पूरे जिले में 1256 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 1 से 2 दिन तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।